ग्रुप थ्योरी पे एक डिटेल लेक्चर सीरीज पूरे कोर्स की देने से पहले मैं आपको जस्ट ग्रुप थ्योरी के थ्योरम्स और रिजल्ट्स पे एक लेक्चर सीरीज दे रहा हूँ, गोल्डन रिजल्ट्स ऑन ग्रुप थ्योरी। हम स्टार्ट ले रहे हैं ग्रुप से मुतालिक। इस टॉपिक में हम रिजल्ट शामिल करेंगे जो ग्रुप की डेफिनेशन से मुतालिक हैं और एलिमेंट्स के ऑर्डर से मुतालिक हो सकते हैं। कुछ इसमें हम ऑब्जेक्टिव भी शामिल करेंगे। ओके, नंबर वन है द टर्म ग्रुप वॉज काइंड बाय गैलवा। गैलवा एक बड़ा जबरदस्त मैथमेटिशियन था, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था, और इसने अपने दौर में अपनी नौजवानी में इसने कुछ 350 साल पुराने प्रॉब्लम अपने सॉल्व करने शुरू कर दिए थे। और बहरहाल इसका बड़ा जबरदस्त काम है, गैलवा थेरी इसके नाम पे है। नंबर टू, डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप वॉज गिवन बाय हैंडरिच वेबर एंड वाल्टर वॉन्डिक इन 1882। बेसिकली ये ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ सिमेट्रिक ग्रुप्स के साथ, जहां पे बिल्डिंग्स की सिमेट्रीज को स्टडी किया जाता था इन 1882। कैलिस टेबल इज ए लैटिन स्केयर बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप अकर वंस इन ईच रो एंड ईच कॉलम। अब यहाँ पे आप कैलस टेबल को आप जानते हैं, फर्ज करें आपका जो ग्रुप है उसके अंदर टू एलिमेंट्स हैं, तो आप कैलस टेबल जब बनाते हैं रोज और कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, ए बी, ठीक है। इस तरह आपके पास कॉलम भी टू बनेंगे और रोज भी टू बनेंगे, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो कैलस टेबल इज अ लैटिन स्केयर इसे कहते हैं ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी, इसे आई के साथ क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते, बिकॉज आइडेंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई ई बिकॉज ऑफ द जर्मन वर्ड फॉर आइडेंटिटी इज आइन हीट। इसी तरह और भी बहुत सारी नोटेशन ऐसी हैं जो जर्मन लैंग्वेज की वजह से हैं। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ इंटीजर्स को हम आई के साथ डिनोट नहीं करते, बल्कि हम सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड के साथ डिनोट करते हैं, बिकॉज जेड इज फॉर ए जर्मन वर्ड जेहलन, ठीक है, जेहलन फॉर इंटीजर। इसी तरह क्लाइंट्स फोर ग्रुप आप यूज करते हैं, क्लाइंट्स फोर ग्रुप को आप वी फोर लिखते हैं, वी फोर, क्योंकि फोर को जर्मन में वीर कहते हैं, VIER, वीर, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी नोटेशन ऐसी हैं जो जर्मन लैंग्वेज की वजह से है। नेक्स्ट आपके पास, अब ये रिजल्ट स्टार्ट हो रहे हैं ग्रुप की डेफिनेशन पे। द कैंसिलेशन लॉज होल्ड्स इन अ ग्रुप बोथ लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ये पहला रिजल्ट हम पढ़ रहे हैं ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसके अंदर, क्योंकि आप जानते हैं आइडेंटिटी भी आता है, इनवर्स भी आता है, और इनकी वजह से कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। मैथमेटिकली अगर आप देखना चाहें तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फर्ज करें ए एक्स इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, तो अब आप ए को दोनों साइड पे जब कैंसिल करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स लेंगे, बिकॉज ए इनवर्स एग्जिस्ट फॉर एवरी नॉन जीरो ए, ठीक है, और ये आपके पास एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। सो कैंसिलेशन लॉज होल्ड्स इन अ ग्रुप, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है और राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। इसका फायदा क्या होगा, नंबर वन, द ओनली आइडेंपोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी भी ग्रुप के अंदर आइडेंपोटेंट एलिमेंट क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जिसको अगर आप उसी के साथ ऑपरेट करें, अगर वो अंडर मल्टीप्लीकेशन है तो उसका मतलब एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर होगा, और वो आपके पास दोबारा एक्स के इक्वल आ जाए उसे आप आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन द ग्रुप इज इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, दिस इज ड्यू टू द कैंसिलेशन लॉज। आप मैथमेटिकली अगर देखना चाहें तो आप अगर सपोज कर लें कि एक्स स्क्वायर इज एक्स, दिस इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, देन दिस इज एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। नाउ बिकॉज कैंसिलेशन लॉज होल्ड, आप एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक्स इनवर्स इंटू एक्स, यहाँ एसोसिएटिव लॉ हम लगा लेंगे, एक्स इनवर्स इंटू एक्स, दिस इज बाय एसोसिएटिव लॉ, एंड सो एक्स इज इक्वल टू ई। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, देन दैट इज इक्वल टू ई। So the only idempotent element in the group is its identity element, and this is due to the cancellation law. And next one is solution of linear equation exist and unique in a group. अब आप जानते हैं कि हम जब set of all real numbers में होते हैं, 9, 10 classes में
सिक्स सेवन एट क्लासेस में भी, तो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो हम वहां पे इनवर्स भी यूज करते हैं, आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं। तो अब ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जहन में रख लें कि अगर आपके पास अंडरलाइंग स्पेस जो है वो ग्रुप है, यानी अंडरलाइंग सेट अगर आपका ग्रुप बनाता है, तो उसमें आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अगेन ड्यू टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसिलेशन लॉज, कैंसिलेशन लॉज की वजह से आप उसे कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक, कि एक ग्रुप में एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द कैंसिलेशन लॉ, आप कैंसिलेशन लॉ से ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आप फर्ज कर लें कि आपके पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि x इंटू ई इज इक्वल टू x फॉर ऑल x, ऑल्सो x इंटू ई डबल प्राइम इज इक्वल टू x फॉर ऑल x, ठीक है। ई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई डबल प्राइम भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, फिर इसका मतलब है दोनों x के इक्वल है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। Now if we use inverse of x or if we use cancellation law, we obtain e is equal to e double prime. So identity element is unique. ठीक है, this is also due to cancellation laws. Cancellation laws के अलावा भी इसे prove किया जा सकता है, but easiest way is to use cancellation law. Next one is the inverse of each element in a group is unique. Same is the case with inverse. Inverse के लिए भी आप cancellation law use करें, आप आसानी से prove कर देंगे कि inverse unique होते हैं, ठीक है। सो दीज आर वेल नोन रिजल्ट्स। नेक्स्ट वन इज फॉर एनी ए बी इन अ ग्रुप जी, आप ग्रुप के कोई से दो एलिमेंट लें, तो ए डबल इनवर्स इज इक्वल टू ए, इसे लॉ ऑफ रिवर्स, इसे आप कह सकते हैं ये अंडर मल्टीप्लीकेशन है, ए इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू ए, अदरवाइज अंडर एडिशन आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए इज इक्वल टू प्लस ए, यानी डबल इनवर्स आपके पास अगर आ जाएगा तो वो एलिमेंट इटसेल्फ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर मल्टीप्लीकेशन केस एंड दिस इज फॉर एडिशन केस। नेक्स्ट वन, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ठीक है। इसे लॉ ऑफ रिवर्सल ऑफ ऑर्डर भी कहते हैं, इसे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इसका, इसे सॉक्स शूज प्रॉपर्टी भी कहते हैं, सॉक्स शूज प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब आपने पहनना हो तो पहले आप सॉक्स पहनेंगे फिर आप शूज पहनेंगे ए इंटू बी, और जब आपने उतारने होंगे फिर क्या होगा, फिर आप पहले शूज उतारेंगे फिर आप सॉक्स उतारेंगे, ठीक है। इसे आप सॉक्स शूज प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है, या लॉ ऑफ रिवर्सल ऑफ ऑर्डर भी कहते हैं। नंबर थ्री, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स आर सेम, ए और ए इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आगे चल के आप कहते हैं कि अगर कोई एलिमेंट किसी ग्रुप का जनरेटर हो और कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हो तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होता है। क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वही उसके इनवर्स का ऑर्डर होता है, और एक जनरेटर का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, लिहाजा ए इनवर्स का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कह सकते हैं कि ए एंड ए इनवर्स बोथ आर जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। नंबर फाइव, ऑर्डर ऑफ ए बी इज सेम एज ऑर्डर ऑफ बी ए, ऑल्दो आपको पता है इन जनरल किसी भी ग्रुप के अंदर ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल हो, लेकिन अगर ए बी और बी ए इक्वल ना भी हो उनका ऑर्डर जरूर इक्वल होता है। नंबर सिक्स, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज सेम एज ऑर्डर ऑफ ए, व्हाट इज बी इनवर्स ए बी, ये बेसिकली कंजुगेट एलिमेंट है ए का, यहाँ पे ए फिक्स है, आप ग्रुप का कोई दूसरा एलिमेंट लेके बी इनवर्स ए बी बनाते हैं तो ये आपके पास एक कंजुगेट एलिमेंट आ जाता है। अगर ग्रुप अबिलियन हो तो फिर तो ये ए ही बनता है, क्योंकि ए बी जब कम्यूट कर जाए तो बी इनवर्स बी कैंसिल हो जाते हैं तो ये दोबारा से ए आ जाता है। नॉन अबिलियन केस में ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और हमें इस तरह से एक डिफरेंट एलिमेंट मिल जाता है, लेकिन उस डिफरेंट एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ऑफ ए के बराबर ही होता है। इसे हम बड़ी आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। बेसिक रिजल्ट ये है कि अगर आप कोई पावर लेते हैं, ये रिजल्ट आप यहाँ पे यूज करते हैं, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट लेते हैं ए की तो वो इक्वल होती है बी इनवर्स ए बी होल पावर एम के, और अगर आप इसे रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखें बी इनवर्स ए बी एम टाइम्स, तो आप बड़ी आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं दिस इज एक्चुअली इक्वल टू बी इनवर्स ए एम बी, यानी अगर आप कोई भी पावर लेते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट की तो वो बेसिकली ए की पावर बदल जाती है। एंड नेक्स्ट इज
ए इनवर्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए एन इनवर्स, यानी अगर आप इनवर्स की पावर एन लेते हैं तब भी ठीक है, या अगर आप पहले ए की पावर एन लेके उसका इनवर्स लेते हैं द आंसर विल बी सेम। ओके नेक्स्ट रिजल्ट, और दिस इज ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, जी मॉड को या हम ऑर्डर ऑफ जी पढ़ेंगे। इफ ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट देन देयर इज ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन कॉल्ड एक्सपोनेंट सच दैट ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ई फॉर एवरी ई फॉर ऑल ए इन जी। ठीक है, यहाँ पे ये मिस टाइपिंग है, यहाँ पे ए इन जी आना है। अच्छा, ये रिजल्ट क्या कह रहा है आपको? ये रिजल्ट आपको ये कह रहा है कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो, ठीक है, कोई भी आप फर्ज कर सकते हैं, तो फिर आपको एक पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा जरूर मिल जाएगा कि आप किसी भी एलिमेंट की पावर एन लेंगे तो वो आपके पास ई के बराबर आ जाएगा, वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ए इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, अगर आप किसी भी एलिमेंट की वो पावर लें, यानी फर्ज करें ग्रुप का ऑर्डर एन है, तो आप ए की पावर एन किसी भी एलिमेंट की पावर एन लेंगे तो वो हमेशा ई आएगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होता है, लिहाजा अगर एलिमेंट का ऑर्डर आप ग्रुप का ऑर्डर रखेंगे तो वो हमेशा ई आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है उसके अलावा भी कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आपको मिल जाए कि जब आप ए की वो पावर लें तो आपके पास ई बन जाए, तो ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वो आपके पास एक्सपोनेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप क्लाइन फोर ग्रुप इमेजिन करें, क्लाइन फोर ग्रुप हम कहते हैं 1 a b और a into b, इसे हम क्लाइन फोर ग्रुप कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका कोई भी एलिमेंट लें और उसकी पावर 2 लें तो वो ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी या वन इसे भी ई कर लेता हूँ, आइडेंटिटी का स्केयर लेंगे तो वो तो आइडेंटिटी रहेगा। अब ए का ऑर्डर क्योंकि 2 है तो ए का स्केयर भी ई के बराबर, बी का ऑर्डर 2 है बी स्केयर ई के बराबर, ए बी का ऑर्डर 2 है ए बी का स्केयर ई के बराबर। तो इसका मतलब है कि इस ग्रुप का, इस ग्रुप की जो एक्सपोनेंट है, यानी इस ग्रुप के लिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जब आप इसकी पावर लें तो वो 2 है। ठीक है, जबकि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 है। तो जरूरी नहीं है कि ग्रुप की जो एक्सपोनेंट है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप ही हो, उससे लेस नंबर भी कोई ऐसा हो सकता है। ठीक है, हाँ, अगर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट, तो फिर उसका मतलब ये है कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वही ऑर्डर उसके किसी एलिमेंट का ऑर्डर है जिसकी जिसकी वजह से ये उस ऑर्डर पे जाके आइडेंटिटी बना है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज एक्चुअली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट ए, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 1 a in g। तो उस सूरत में क्या बन जाता है? उस सूरत में वो जो जी है वो साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट ऑफ ए ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इफ एंड ओनली इफ द ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ये हम साइक्लिक ग्रुप में भी जाके पढ़ेंगे, तो ये एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है। लेट जी बी एनी ग्रुप एंड ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी हैज ऑर्डर एन। जी कोई भी ग्रुप है, ए ऑर्डर एन का एक एलिमेंट है, then for any integer k, a raised to power k is equal to e if and only if k is equal to n q for some q in z। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपके पास g अगर कोई भी ग्रुप हो और उसके अंदर एक फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है a और ऑर्डर ऑफ a आपके पास n है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि a की पावर n तो e के बराबर होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई एलिमेंट ले लेते हैं और आप कहते हैं कि ए का ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब है कि ए रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू ई। अब आपके लिए ये बड़ा आसान है ये बात समझना कि अब ए की 3 के बाद पावर कब आएगी? जब वो ई होगा, तो ए रेज टू पावर 6 इज ऑल्सो इक्वल टू ई, ए रेज टू पावर 9 इज ऑल्सो इक्वल टू ई। क्यों? बिकॉज ए 6 को आप ए 3 का स्क्वेयर लिख लेंगे और ए 9 को आप ए 3 का क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास ऑर्डर n है और a रेज टू पावर n इज इक्वल टू e और उसके बाद आपकी पावर किसी और नंबर k पे भी दोबारा e बन रही है, तो इसका मतलब k इज अ मल्टीपल ऑफ n, जस्ट लाइक 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो k इज सम मल्टीपल ऑफ n। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। लेट g बी एनी ग्रुप, a इज एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n,
देन फॉर एनी इंटीजर के इफ ए के इज इक्वल टू ई देन के इज अ मल्टीपल ऑफ एन. नेक्स्ट इज इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ ए इज एन. ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए एन का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आप जब ए की पावर एन लेते हैं तो वो ई आ जाता है. ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि अगर आप ए की पावर एम लें और एम लेस हो एन से तो कभी भी वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अदरवाइज तो फिर उसका ऑर्डर एम हो जाएगा. एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए एन इज इक्वल टू ई. अच्छा, इसका मतलब ये है अब अगर आप ए की पावर्स लें, ए की पावर वन लें, ए की पावर टू लें, ए की पावर थ्री लें, ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन, ए की पावर एन पे जाके वो ई हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी हो जाएगा. रिजल्ट ये है कि ये अपने आइडेंटिटी होने तक ये जितने भी पावर्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे. क्यों डिस्टिंक्ट होंगे? क्योंकि अगर आप फर्ज कर लेते हैं कि ए की पावर एन वन और ए की पावर एन टू ये कहीं पे इक्वल है, तो फिर आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर एन नहीं है. मिसाल के तौर पर अगर आप इसका इन्वर्स ले लेते हैं, ए एन टू का अगर आप इन्वर्स ले लेते हैं और उसे आप ए एन वन से आप बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे क्या होगा? उससे ये आपके पास राइट हैंड साइड आइडेंटिटी हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी ए की पावर एन टू माइनस एन टू प्लस एन वन इज इक्वल टू ई. तो इसका मतलब ये है कि फिर ए का जो ऑर्डर है वो एन वन माइनस एन टू है और एन वन माइनस एन टू क्या है? ये एन से लेस है. दिस इज कंट्राडिक्शन. इसका मतलब यह है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर एन है तो आपको उसकी पावर एन माइनस वन तक ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलेंगे. यानी अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर सिक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ए की मदद से ए ए स्क्वायर ए थ्री ए फोर ए फाइव और ई, इसका मतलब ये हुआ कि आप ए की मदद से उस ग्रुप के सिक्स एलिमेंट बना सकते हैं. ये सारे के सारे उस ग्रुप के डिफरेंट एलिमेंट होंगे. और अगर कभी ऐसा हो कि आप उस इसी एलिमेंट की मदद से आप उस ग्रुप के सारे एलिमेंट बना लें, यानी आप इसकी पावर लेते जाएं तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट बन जाएं, तो आप जानते हैं कि फिर आप उसे साइक्लिक ग्रुप कहते हैं. ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ई, तो ऐसे ग्रुप को आप साइक्लिक ग्रुप कहते हैं और ऐसा ग्रुप एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाता है. दैट्स व्हाई दिस इज साइक्लिक ग्रुप. एंड इन दैट केस ऑर्डर ऑफ ए सेम एज द ऑर्डर ऑफ जी. एंड नेक्स्ट रिजल्ट इज लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर then there is at least one involution x square equal to e in the group g. ये बड़ा interesting result है कि अगर आपके group का order even हो, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो उसके अंदर कम से कम एक element ऐसा जरूर होगा जिसका order two होगा. ठीक है, यानी अगर group का order even है तो order two का एक element जरूर होगा. order two के element का मतलब ये होता है x into x equal to e. अगर आप x inverse से multiply करें तो x equal to, यानी self inverse होता है वो. ठीक है, यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट करता है. अब अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर ऑर्डर इवन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक उसके अंदर ये यूनिक होता है. अगर इसे निकाल दें तो बाकी उसके अंदर ऑड एलिमेंट बचते हैं. ठीक है, अच्छा, अब वो जब ऑड एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर वो सेवन है और ये एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. ठीक है, अच्छा, अब अगर एक एलिमेंट का भी इनवर्स उसके बराबर हो गया तो हमारी तलाश खत्म हो गई. हमें वही एलिमेंट चाहिए था जो सेल्फ इनवर्स है, उसका ऑर्डर टू होगा. अब फर्ज करते हैं कि वन सेल्फ इनवर्स नहीं है तो, और वन का इनवर्स फर्ज कर लें कि फोर है और टू, अगर तो टू सेल्फ इनवर्स है तो टू का ऑर्डर टू हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी. फर्ज करें टू भी सेल्फ इनवर्स नहीं है तो टू का इनवर्स फर्ज करें सेवन है. अगर थ्री सेल्फ इनवर्स है तो बात खत्म होगी, लेकिन फर्ज करें थ्री भी सेल्फ इनवर्स नहीं है और थ्री का इनवर्स सिक्स है. ठीक है, अब इनवर्स में फोर भी चला गया, फोर यहाँ पे आ गया और सिक्स थ्री का इनवर्स हो गया, सेवन टू का, अब अकेला रह गया फाइव. अब क्योंकि ये ग्रुप बनाता है तो फाइव का इनवर्स तो होना ही होना है. अब इनमें से कोई नहीं हो सकता क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फाइव अपना इनवर्स आप है, और अगर फाइव अपना इनवर्स आप है, यानी फाइव अगर सेल्फ इनवर्स है, फिर ऑर्डर ऑफ फाइव क्या होगा? वो टू होगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है, आइडेंटिटी निकाल के वो ऑड बन जाते हैं, तो ऑड में से कम एक ऐसा जरूर होगा जो सेल्फ इनवर्स होगा, जिसका पेयर नहीं बन सकेगा.
वही एलिमेंट हमें चाहिए होता है। और ये इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, इसे इन्वोल्यूशन एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट इज लेट जी बी ए ग्रुप, एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इन द ग्रुप। अब ग्रुप का ऑर्डर नहीं लिखा हुआ, ग्रुप का ऑर्डर जो भी है, एक्स का ऑर्डर ऑड नंबर है, यानी फर्ज करें कि एक्स का ऑर्डर है 2n+1, दिस इज ऑड नंबर, सो एक्स पावर 2n+1 इज इक्वल टू ई। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट वाई सच दैट वाई स्केयर इज इक्वल टू दिस एक्स। ठीक है, यानी अगर अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर ऑड है, फिर आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका स्केयर ये होगा। ठीक है, कैसे होगा, ये बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पे अगर आप इसे x से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर 2n+2, और यहाँ पे x आ जाएगा, और इसे आप लिख सकते हैं x पावर n+1 रेज टू पावर 2, और अगर इसी को मैं y ले लें तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू x। तो इसका मतलब है कि हर ऑड ऑर्डर के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जिसका स्केयर वो होगा। ठीक, नेक्स्ट है, इन अ ग्रुप जी लेट ए बी एंड ए बी ऑल हैव ऑर्डर 2, शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। अच्छा, अब ये नहीं कहा जा रहा कि हर ए बी के लिए, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि फर्ज करें कि दो एलिमेंट्स ऐसे हैं ग्रुप के अंदर, बाकियों का नहीं पता कि बाकियों का ऐसा है कि नहीं, सिर्फ दो एलिमेंट ऐसे हैं कि ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर और ए बी का ऑर्डर, इन सब का ऑर्डर 2 है। ठीक है, सिर्फ इन दो के लिए, हर एक के लिए नहीं। आप जानते हैं अगर हर एलिमेंट के लिए ऐसा हो कि उसका ऑर्डर 2 हो, तो वो बात चली जाएगी अबिलियन ग्रुप के लिए। अब ये सिर्फ ए बी के लिए है, ए बी के बारे में आपको पता है कि ए बी और ए बी स्क्वेयर का ऑर्डर 2 है। अब आप बड़ी आसानी से यहां से ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर इन सब का ऑर्डर 2 है, तो फिर बाकी का म्यूट करें या ना करें, यानी ग्रुप हो सकता है नॉन अबिलियन हो, तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट कम्यूट नहीं भी करेंगे, लेकिन इन दो एलिमेंट की गारंटी होगी कि ए और बी कम्यूट कर जाएंगे। ये प्रूव करना बड़ा आसान है, मैं जस्ट यहाँ पे हिंट के तौर पे कुछ स्टेप्स कर रहा हूँ आपके सामने। अब आप इधर से लेफ्ट साइड से ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ ए मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी बी ए एज इट इज। राइट साइड से आप बी से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ आपको बी मिल जाएगा। ए का ऑर्डर 2 है, ये खत्म हो जाएगा, बी का ऑर्डर 2 है, ये खत्म हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये इसका सिंपल सा प्रूफ है। ठीक है, तो ये अब उसके लिए है कि अगर ग्रुप हो सकता है अबिलियन है, हो सकता है नॉन अबिलियन है, और आपको सिर्फ दो एलिमेंट के बारे में पता है कि वो इस तरह के हैं कि वो उन दोनों का और उन दोनों के प्रोडक्ट का ऑर्डर 2 है, तो फिर आपके पास ये गारंटी है कि वो आपस में कम्यूट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज Suppose that a group G has only one element A of order 2, then for all x in G, AX is equal to XA. ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपको ये बता रहा है कि आपके पास सिर्फ अकेला एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, यानी A is the only element of order 2 in a group. Then ये रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि ऐसा एलिमेंट जिसे हम इन्वोल्यूशन कहते हैं ऑर्डर 2 का, वो ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। ठीक है, इफ ए इज द ओनली वन एलिमेंट, यानी ये नहीं कि हर एलिमेंट ऑर्डर 2 का हो तो वो कम्यूट करेगा, नहीं, अगर ए अकेला ऐसा एलिमेंट है, पूरे ग्रुप में एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, तो फिर वो ग्रुप के हर दूसरे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, वेयर ए इज फिक्स्ड एंड एक्स इज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लें। The order A of an element of a finite group divides the order of the group. ये आप जानते हैं, this is the consequence of Lagrange theorem. Lagrange theorem तो ये होता है ना कि हर subgroup का जो order है वो order of the group को divide करता है। तो अब element से भी एक subgroup generate होता है और उस subgroup का order element के order के बराबर होता है, लिहाजा order of an element also divides the order of the group. ठीक है, detail में already आपको दे चुका हूँ, यानी अगर आप ये जानते हैं लैग्रांज थ्योरम के ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और अब ए एक एलिमेंट है, ग्रुप फाइनाइट है, तो ए का ऑर्डर फाइनाइट होगा। ठीक है, अच्छा ए से ए की पावर्स के साथ आप एक ग्रुप बना लेंगे, ये वाला सब ग्रुप बना लेंगे, ए की पावर लेते जाएंगे, वो एक साइक्लिक सब ग्रुप बन जाएगा। अब क्योंकि हर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और ये जो सब ग्रुप बना ये वाला जनरेटेड बाय ए, इसका ऑर्डर भी फिर
ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को डिवाइड करेगा, और ए से बनने वाला जो साइक्लिक सब ग्रुप है उसका ऑर्डर वही है जो ए का ऑर्डर है, क्योंकि ए की पावर से बना है. सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑल्सो डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. ठीक है, वन सिंपल कंसिक्वेंस ऑफ लैग्रैंज थ्योरम. नेक्स्ट नेक्स्ट इज ए रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट. वाई दिस इज सो, क्योंकि आप जानते हैं कि ए का ऑर्डर अगर एन है तो एन डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को. इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज सम मल्टीपल ऑफ एन. और आप जानते हैं कि अगर आप ए की पावर कोई एन का मल्टीपल लें तो फिर आपके पास, यानी ये एन क्यू क्या है, ये ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है, तो आप इसे ए की पावर एन होल रेज टू पावर क्यू लिख लेंगे, और ए रेज टू पावर एन ई के बराबर है तो ये ई आ जाएगा. इसका मतलब है कि अगर आप ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेते हैं और उसकी जो पावर है वो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप रखते हैं तो हमेशा आपके पास आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा. नेक्स्ट है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, ए रेज टू पावर फाइव एन इज कंग्रुएंट टू ए मॉड एन. यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ये भी एक कंसिक्वेंस है लैग्रैंज थ्योरम का.